अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे घी निकालती हूँ। तो देखिए, ये मलाई है, मैंने इकट्ठा कर ली थी, अभी थोड़ी सी निकाल दी है, आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने जार में देखिए मलाई डाली है, उसको चला लिया था, देखिए मक्खन सारा ऊपर आ गया है। अब इसको निकाल के मक्खन को देखिए, मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है मक्खन। अब इसको स्लो पे, बिल्कुल धीमी आंच पे रख देंगे और ये धीरे धीरे होता रहेगा, पिघलता रहेगा। देखिए मक्खन कैसे पिघल गया एकदम, और देखिए मैं इसे चला के दिखाती हूँ। देखिए धीरे धीरे ये पिघल रहा है, पिघलते पिघलते फिर इसमें से घी निकलने लगेगा। मेरी भाभी ने ये बताया था कि इस तरह से घी निकालें तो बहुत ज़्यादा निकलता है घी। मैंने भी अपने ससुराल में सबको बताया, वो लोग पहले ऐसे नहीं निकालते थे, वो सब लोग भी ऐसे ही घी निकालने लगे, और सबने कहा भी हाँ कि ये तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे घी ज़्यादा निकलता है। पहले ही लोग ऐसे ही मलाई में ऐसे ही मलाई डाल लेते थे सारी कढ़ाई में और उसको जलाते थे, तो वो ज़्यादातर जल जाता था। अब ऐसे ज़्यादा निकलता है, तो मेरे ससुराल में भी सब लोग को बहुत पसंद आया ये तरीका, सब लोग ऐसे ही निकालने लगे हैं। और देखिए जब घी निकल आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए साइड से कैसे घी दिख रहा है, धीरे धीरे आगे ऊपर आ गया है घी, ये देखिए। अब इसको और जलाना होगा और थोड़ा पकेगा ये देखिए। अब ये ऊपर ऊपर आने लगा घी, एकदम साफ घी निकलता है, बिल्कुल भी कालापन नहीं होता है, बहुत अच्छा घी निकलता है। देखिए घी निकल चुका है कितना अच्छे से, घी देखिए ये निकल चुका है, कितना अच्छे से घी निकला, देखिए कितना अच्छा घी निकला है। मैं इसमें हरी इलायची भी डाल देती हूँ एक, ताकि उसकी खुशबू भी आ जाए। ये देखिए मैंने छन्नी से छान लिया है, और बहुत से लोग कपड़े से भी छानते हैं मलमल के, और हम तो छन्नी से छान लेते हैं। देखिए एकदम साफ घी इसमें निकल के आया। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि घी कितना निकला, पहले जैसे आप निकालते थे और अब जो निकाला है आपने कैसा निकला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और लाइक शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।